हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहां और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया में हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है, आतंकवाद आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया आप समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण है। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहां और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया में हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है, आतंकवाद आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया आप समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण है।